हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन माय चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे हमने वाटर कलर सीनरी बनाया है। येलो कलर लिया है मैंने, पहले स्क्रेच कर लेंगे हम सीनरी बनाने के लिए। ये वाटर कलर का यूज़ किए हैं हम, नॉर्मल वाटर कलर है जो इजीली शॉप पे अवेलेबल होते हैं वाटर कलर, उसी का यूज कर रहे हैं हम। पहले हम स्क्रेच करेंगे और ब्रश मैंने लिया हुआ है, राउंड ब्रश है ये, 4 नंबर राउंड ब्रश। मैंने 2 ब्रश का यूज किए हुए हैं। अभी मैंने ब्लू कलर लिया और उसमें हम व्हाइट मिक्स करेंगे ताकि लाइट होते हैं तो व्हाइट व्हाइट
साइड साइड से हो जाते हैं, तो मैंने उसका भी फ्लोस बना रहे हैं वाटर के, तो इसके लिए मैंने वाइट कलर लिया हुआ है। इससे हम फ्लोइंग को पेंट कर रहे हैं। हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, थोड़ा सा येलो लिए हैं। आप भी इजली ट्राई कर सकते हैं फ्रेंड्स। अभी येलो लिया मैंने और रिवर के साइड साइड में जो ग्रासेस वगैरह रहते हैं उसको हम पेंट कर रहे हैं। ग्रासेस वगैरह रहते हैं, फिर जो भी डस्ट वगैरह रहते हैं जो साइड में उसका जगह खाली रहता है रिवर साइड में, उसे हम पेंट कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने ब्राउन, ग्रीन और येलो का यूज़ किया हुआ है। ये मैं ग्रासेस पेंट कर रहे हैं। मैंने ग्रीन कलर नहीं लिया हुआ है, जो मैंने कलर मिक्सअप किया था ना ब्लू और रेड को मिक्स करके, उसी से कर रहे हैं। वो लाइट ग्रीन हुआ है तो उसको हल्का सा शेडिंग दे रहे हैं हमने, तो वो ग्रीन में आ गया। ऐसा लगता है जैसे ग्रीन यूज़ किया है, पर वो ग्रीन नहीं यूज़ किया है हमने। वो जो मैंने मिक्स किया था ना ब्लू और रेड को, उसी से किए हैं। अभी मैंने येल्लो यूज़ कर रहे हैं। मैंने वीडियो को ज़्यादा फास्ट नहीं किया है, थोड़ा सा किया है, अदरवाइज़ बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो मैंने आज वीडियो को स्किप नहीं किया है। आप सबके लिए थोड़ा लंबा रहेगा वीडियो, पर कोई नहीं, जिसे सीखना है ट्यूटोरियल वो तो देखेंगे ही। अभी हम ग्रीन से, वही ग्रीन जो मैंने ब्लू और रेड को मिक्स करके बनाए थे, उसी से अभी बना रहे हैं। हल्का सा ब्लैक लिया मैंने, ये ग्रासेस का शेडिंग कर रहे हैं, ग्रासेस बना रहे हैं। अभी ब्राउन लिए हैं, अभी स्टोन का शेडिंग करना है हमें। अभी स्टोन का जो खाली पार्ट्स दिख रहे हैं उधर हल्का सा हम ब्लैक पेंट करेंगे। अभी वाइट लगा रहे हैं, शेडिंग दे रहे हैं ताकि वो रियल स्टिक दिखे, तो अभी हम वाइट यूज़ कर रहे हैं उसको। अब हमारे साथ पेंट कर सकते हैं फ्रेंड। ये मैंने राउंड ब्रश लिया हुआ है, 2 नंबर राउंड ब्रश, 0 नंबर है, 0 नंबर राउंड ब्रश आते हैं ना पतले वाले, वो यूज़ कर रहे हैं अभी 0 नंबर। हल्का हल्का सा व्हाइट का यूज़ किए हुए हैं। उसके बाद अभी ब्लैक जो खाली पार्ट्स रहते हैं जो दिखते नहीं, या दूर से ऐसा दिखता है ना हल्का सा शेडो टाइप्स, उधर ब्लैक पेंट कर रहे हैं शेडो टाइप्स। अभी हमने रेड यूज़ किए हैं ब्राउन के ऊपर ताकि ये डार्क दिख सके, अदरवाइज़ ब्राउन काफ़ी लाइट दिख रहा था, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा रेड लिया। उसके बाद उसको वाइट कर देंगे, ब्राउन कर देंगे, तो वो आ जाएगा अपने प्रॉपर स्टोन जैसा दिखेगा। अभी हमने वाइट से उसको शेड कर रहे हैं, उसका शेप दे रहे हैं वाइट पेंट से। मैंने सारे पेंट्स वाटर कलर्स ही यूज़ किए हैं, जो नॉर्मल शॉप पे 20 रुपीज़ के मिलते हैं ना, जिसमें 10 रहते हैं सेट नॉर्मल ड्राइंग वाले, वही यूज़ कर रहे हैं। आपने देखा, देखिएगा, ये नॉर्मल पेंट्स का यूज़ करके भी अच्छी सीनरी बना सकते हैं। जैसे तो मैंने जो पेपर यूज़ किया, ये पेपर नहीं है, थिक है, पेपर जैसा भी नहीं है, पेपर से थोड़ा मोटा ही है, उसका मैंने यूज़ किया हुआ है, कार्डबोर्ड टाइप्स का, कार्डबोर्ड आते हैं ना ड्राइंग शॉप्स पे, तो वैसा यूज़ किया हुआ है। मैंने कैनवास का यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कैनवास का यूज़ हम करते हैं
रहेगा, जो पेंट गाढ़ा गाढ़ा उसका ही यूज़ करेंगे। अभी मैंने ग्रीन लिया ग्रासेस के लिए, हल्के सा स्टोन के पास हल्का फुल्का ग्रासेस जो रहते हैं उसे पेंट कर रहे हैं।